हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले चैप्टर 3 के बारे में। एसएम के बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है ये वाला, और बहुत इजीली हो जाएगा। देखो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है ये सब लिख रहा है, इसको तुम रीड कर सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन से होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर। इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, जरूरी थोड़ी है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट भी अपनी स्टेक होल्डर्स है, वाले सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना? स्टेक इन इट सक्सेस एंड कैन इन्फ्लुएंस इट एज वेल। इंटरेस्ट होता है सक्सेस के अंदर और इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब देखो गवर्नमेंट की डिसीजन अपनी खुद की, मान लो अपन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा मेरा तो ये अप्रोच रहता है अपन खुद को लेकर चले, ठीक है ना? अपन मान लो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह होती है उसकी वजह से अपना बिजनेस भी तो इफेक्ट होगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? उसके बाद अपना इंटरेस्ट और पावर क्या होता है, देखो ये वाला सिंपल सा ही, इसमें नहीं आता इतना, ठीक है ना? मेन होता है अपना मंडीलू मैट्रिक्स। अब ये मंडीलू मैट्रिक्स जो भी नाम हो उसका वो तुम जान लेना, ठीक है ना? इसके अंदर अपन कितने मतलब शेयर होल्डर, सब स्टेक होल्डर्स अपने पास बहुत सारे। अब अपन किनको क्या इन्फॉर्मेशन दे उस हिसाब से अपन इनको मैट्रिक्स में लाते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर अपने पास दो चीज आती है, पावर और इंटरेस्ट। पावर क्या होता है? द अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज। पावर मतलब वाले स्टेक होल्डर्स जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इंटरेस्ट क्या होते हैं? हाउ दे आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेडिंग। इंटरेस्ट मतलब वो जने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेडिंग के अंदर कितना उनका इंटरेस्ट है, ठीक है ना? वो अब देखो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा है, इसके अंदर मैं तुम्हारे को पूरा समझा दूंगा, बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना। मंडीलू मैट्रिक्स तो अपन के पास है ना, वर्टिकल लाइन पे अपने पास आ जाती है पावर, और हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है इंटरेस्ट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर उल्टा चलता है, इसके अंदर हाई लो और लो हाई है, सारे मैट्रिक्स के अंदर हाई लो होता है, ठीक है ना? सो ये चीज जरूर याद रखना, ठीक है ना? अब देखो क्या है, सबसे पहले अपने पास पावर भी हाई है और इंटरेस्ट लो है। पावर हाई है और इंटरेस्ट लो है, मतलब देखो क्या है, पावर का मतलब तुम्हें मैंने बताई दिया वो ऊपर, कि अपने पास है ना अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज, और इंटरेस्ट का मतलब है अपने पास सक्सीडिंग में कितना है, ठीक है ना? सिंपल सी चीज। तो पावर तो ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कम है, मतलब पावर ज्यादा है बहुत, ठीक है ना? सो इसके अंदर सबसे पहले कौन आएंगे, ये देखो बैंक्स आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे और कस्टमर्स आएंगे, जिनके पास पावर तो बहुत ज्यादा है भाई। अपन कस्टमर को देख कर ही तो अपन अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना? अब उसके पास इंटरेस्ट लो है, अब कस्टमर्स को अपनी सक्सेस से इतना कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट को क्या मतलब अपनी कोई बिजनेस अपना सक्सेसफुल हो उससे अपन को इतना नहीं है, गवर्नमेंट को इतना नहीं है, बैंक्स को इतना नहीं है, उनको इंटरेस्ट लेस है। मतलब थोड़ा बहुत तो है कि यार मतलब बढ़िया है यार, अगर अपनी मतलब कंट्री के अंदर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को फायदा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? उस हिसाब से। और हाई पावर है, पावर तो बहुत ज्यादा है, अपन उनको देखकर कस्टमर को देखकर ही तो अपन सोचते हैं यार क्या रखे। तो इनको क्या करना है, इन पीपल को टू कीप देम सेटिस्फाइड विद देयर इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, जो मैंने मार्क कर रखा वो याद करना, ठीक है ना? सिंपल सा चीज है, अपन इनको इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इंटेंडेड मतलब जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इनको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे। फिर इनको ये है कि सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर, जिसमें पावर हाई है और इंटरेस्ट लो है, ठीक है? उसके बाद आता है पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, दोनों चीजें हाई है, तो ये अपने आते हैं की स्टेक की प्लेयर्स, ठीक है ना? इसके अंदर कौन आते हैं, अपने सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। इनको अपन को क्या करना है, इनको ग्रेटेस्ट एफर्ट्स करेगी ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देम, टेक देयर एडवाइस, बिल्ड एक्शंस एंड कीप देम इन्फॉल्व विद ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये लास्ट वाली लाइन तो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है ना? ये सारी चीजें अपन करेंगे। देखो इसके अंदर समझाने को कुछ नहीं, नॉर्मली है ये, तो तुम्हारे को आई जाएगा पढ़ के समझ, ठीक है? फिर अपने लो प्रायोरिटी, जहाँ पे अपना इंटरेस्ट भी लो है और पावर भी लो है, दोनों लो है, तो ये कौन है, बिजनेस मैगजीन मीडिया हाउसेस जो कि ये फालतू घूमते रहते हैं, ठीक है ना? सो नो एक्शन टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन। इनके ऊपर अपन को कोई भी एक्शन देने की जरूरत नहीं है, बस एक है, एक चीज है इन पे, है ना, कीपिंग एन आई कि इनके लेवल वगैरह चेंज तो नहीं हो रहे, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? उसके बाद अपना है कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड कौन, जिनके पास पावर तो लो है लेकिन इंटरेस्ट हाई है, इंटरेस्ट हाई है मतलब बहुत ज्यादा सक्सीड हो जाए यार, ऑर्गेनाइजेशन मजा आ जाए, ये लोग कौन है भाई, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, सप्लायर्स, ये सब लोग है इसके अंदर। देखो एम्प्लॉयज, वेंडर, सप्लायर, लीगल एक्सपर्ट, जो इनको अपन को क्या करना है, अपन इनको इन्फॉर्म कर देंगे, जैसे अपने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन, इनको अपन जस्ट एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देंगे, ग्रुप ऑफ पीपल एंड कम्युनिकेट देम टू इंश्योर दैट नो मेजर इशू अराइज। इनको अपन नॉर्मली इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देंगे ताकि कोई भी मेजर इशू अराइज ना हो, और इनसे अपन रियल टाइम फीडबैक एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट जान सकते हैं, ठीक है ना? भाई अपने एम्प्लॉयज और सप्लायर से ये सब वगैरह, ठीक है ना? सबसे बेस्ट चीज रहेगी इनके अंदर कौन कंसिडर होते हैं, कौन जने कंसिडर होते हैं वो जानोगे ना, उसके बाद तुम्हारे को समझ आएगा कि अपन क्या ले सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अपने पास ये है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, जो कि इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इंपैक्ट करते हैं स्ट्रेटेजीज पर। कौन कौन होते हैं, देखो की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर दे रखे, इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विसेज, चैनल्स, ठीक है ना? वो तुम समझे। इंडस्ट्री एंड मार्केट क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनी जो कि सिमिलर डीलिंग्स में है, वो एक साथ में मिलकर सारी इंडस्ट्री मतलब सारी कंपनीज मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है। एंड मार्केट्स जहाँ पे बायर एंड कस्टमर्स मीट करते हैं और प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, सिंपल तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना? उसके बाद अपन एसजीएम, देखो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें पहले बताता हूँ, एक शुगर इंडस्ट्री है जहाँ पे मान लो 200 कंपनीज है। अब अपन क्या करेंगे, 200 कंपनीज है, अब इनको अपन इनको कैसे स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले अपन इनको ग्रुप्स पे डिवाइड कर देंगे ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि प्राइस के बेसिस पर, कि वो लोग क्या क्या प्राइस में दे रहे हैं,
क्या क्या उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्या क्वालिटी, कौन कौन से उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना पॉइंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन ने प्राइस पे बांट लिया 20 से 25 में 70 कंपनीज है ए, जिनको अपन ने ए डिनोट कर लिया ऐसे, ठीक है ना। ऐसे इसमें 30 कंपनी है, इसमें 60 कंपनी है, इसमें 40 कंपनी है, इनको अपन ने बी सी डी ऐसे ग्रुप्स में डिनोट कर लिया, ठीक है ना। एवरी ग्रुप हैव सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने तुम्हें बताई दिया, ठीक है ना। ये अपना फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, एसजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये पॉइंट याद करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। फिर अपन इनको प्लॉट करेंगे टू वेरिएबल मैप पे, ठीक है। मैं तुम्हारे को नीचे मॉडल से भी बता दूंगा और ऐसे ही मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। अपन इसको है ना टू वेरिएबल मैप पे अपन इसको प्लॉट करेंगे सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब अपन ने इन पे प्राइस पे 20 25 30 25 30 ऐसे अपन ने लिख लिया पूरा, ठीक है ना। फिर करेंगे अपन प्लॉट कर लेंगे, फिर अपन करेंगे असाइन, मतलब हर कंपनी को जो भी स्पेसिफिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसी प्लॉट, मतलब उसी जो अपने पास टू वेरिएबल मैप है ना उस पे अपन जिस पे वो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक उस पे अपन उसे असाइन कर देंगे, और लास्ट ड्रॉ करेंगे फॉर इंडिविजुअल ग्रुप। अब देखो जैसे तुम देखोगे 2025, अब इसके अंदर क्या है अपने पास जितना जैसे 35 40 देखो वो ज्यादा समझ आएगा तुम्हें। अब अपन सर्किल उस फर्म पे बना देंगे जितना उसका प्रपोर्शनेट टोटल रेवेन्यू है ना इंडस्ट्री का, उसका कितना रेवेन्यू उसके प्रपोर्शनेट बना देंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ समझ नहीं आया पीछे करके देख लेना, बहुत ही इजी वे में बताया। प्रोसीजर क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट बताया, जिन पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे उनके प्राइस पे हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर, ठीक है ना। प्लॉट करेंगे फर्म्स को ऑन अ टू वेरिएबल मैप, ठीक है। असाइन करेंगे फर्म दैट फॉलो इन अबाउट सेम स्ट्रेटेजी, देख लो थर्ड ऑप्शन। सेकंड में क्या अपन इनको बस प्लॉट करेंगे, और थर्ड में क्या असाइन करेंगे इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है। और फिर अपना फोर्थ ड्रॉ करेंगे सर्किल अराउंड स्ट्रीट स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग अराउंड प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल रेवेन्यू, बेसिकली सेल रेवेन्यू का टोटल जो सेल रेवेन्यू और इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना उस पर अपन उसके बेसिस पर प्रोपोर्शनल बना देंगे। सिंपल सा तुम इसको फोर्थ लैंग्वेज को खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म इसकी रहेगी आईपैड जो तुम देख ही रहे होगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखो आगे देखते हैं कस्टमर्स एंड कंज्यूमर, भाई कस्टमर कंज्यूमर कितनी बार पढ़ रखा है, बहुत सिंपल है इसमें, क्या बताओ। कस्टमर जो प्रोडक्ट को खरीदता है या तो वो खुद के खाने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है यूटिलाइज करता है प्रोडक्ट को, यार कितनी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या होता है भाई, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो प्रोडक्ट सर्विसेज तुम्हें नहीं पता होगा क्या होता है इसलिए। फिर अपने पास मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, इसके अंदर आ सकता है कि कोई तीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर दो, या फिर कोई केस स्टडी, केस स्टडी आने का बहुत चांसेस रहेगा जिसमें वो पूछ लेगा कौन सी मार्केटिंग यूज हो रही है सब वगैरह, ठीक है ना। सोशल मार्केटिंग क्या होता है, अपन मार्केटिंग कर रहे हैं कोई सोशल आइडियाज कॉज को प्रमोट करने के लिए, जिसमें अपन एक टारगेट ग्रुप को सोशल चेंज के लिए अपन मार्केटिंग कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। ऑगमेंटेड मार्केट, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मतलब इन एडिशन, इस वर्ड को याद रखना ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड, तो इन एडिशन मतलब अपन का जो प्रोडक्ट है वो जो ओरिजिनल अपन का पर्पस फुलफिल कर रहा है वो तो कर ही रहे, साथ में वो कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दे रहा है, याद रखना। इंक्लूड एडिशनल बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट, डेटा, प्रोडक्ट एंड ऑफर बिसाइड द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ऑफर्ड, तुम जो हाईलाइट कर रखा वो याद करना, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट भाई सर ये वाला लोगे के क्रेडिट कार्ड, लोगे के सर क्रेडिट कार्ड वो है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट मीडिया डायरेक्ट जनरली कॉलिंग टू मेक अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है ना, पढ़ लो सिंपल सा, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। अब तुम खुद ही सोचो, अब तुम लोग मान लो फ्लाइट में रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हो, तो वो लोग क्या है तुम्हारे को थोड़ा कहीं ना कहीं अपन को थोड़ा डिस्काउंट वगैरह या फिर कुछ चीजें देते हैं ताकि ये अपने पे फ्रीक्वेंट हो जाए, वो होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। मतलब एक कस्टमर तुम्हारे रोज आ रहा है, तुम खुद ही सोचो तुम किसी दुकान पे जाते हो, अब रोज तुम एक ही दुकान से लेते हो, वो भैया 10 रुपये अभी है नहीं, कोई नहीं भैया ले जाओ यार, तो वही अपने रिलेशन मार्केटिंग, ठीक है ना, रिलेशनशिप मार्केटिंग। फिर आता है अपने सर्विस मार्केटिंग, सिंपल सा है, इसमें सर्विस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो अपन सर्विस ऑफर करते हैं ना वो मार्केटिंग है, ये सिंपल सी सर्विस जो अपन होता है वो नॉर्मल वो, ठीक है। पर्सनल मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग और प्लेस मार्केटिंग, ये तुम्हें याद कर लेना है क्योंकि ये तीनों का सिमिलर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, इस मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगा एक्टिविटीज दैट क्रिएट मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस, तीनों के अंदर तुम सेम चीज लिख सकते हो, बहुत ईजी सा रहेगा, ठीक है ना। अब एक एमसीक्यू उसके लिए, लेकिन अब तो केस स्टडी है तो इतना इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्लेन मार्केट, प्लेस मार्केटिंग में भी यही है, ठीक है ना, अपन प्लेस वगैरह बहुत सारी होती है उस हिसाब से, ठीक है। एनलाइटेंड मार्केटिंग, एनलाइटेंड भाई एक सिर्फ ये चीज है जिसके अंदर तुम ऐसे इसके नाम से कुछ नहीं बना पाओगे, लेकिन इसको याद रखना, एनलाइटेंड मतलब होता है जागरूक करना, सपोर्ट द लॉन्ग बेस्ट रन, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस, मतलब अपन एक ऐसी मार्केटिंग जिसके अंदर अपन को लॉन्ग रन में फायदा होगा, इसके अंदर अपन कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इनोवेटिव वैल्यू और सेंस ऑफ, ये सब, ठीक है। डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या, इट इज अ मार्केट कवरेज। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही दिमाग लगाई, जैसे साबुन बेच रहे हैं, ठीक है ना,
अब उन्हें देखा कि यार लोगों को क्या चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए सस्ता साबुन, कुछ लोगों को चाहिए कि यार ऐसे बिल्कुल लगा कि गोरे गोरे हो जाए। तो क्या करा मैंने, अलग अलग, मैं एक ही कंपनी में मैंने अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए, किसी के लिए सस्ता साबुन, किसी के लिए गोरा साबुन। मतलब मैंने एक ही जने ने पूरा मार्केट ऐसे कवर कर लिया, डिफरेंशियल मार्केटिंग। एग्जाम्पल पढ़ सकते हो तुम, HUL ने जैसे लाइफ बना लिया, लक्स बना लिया, ताकि वो लोग जो प्रॉपर, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रीमियम साबुन चाहिए, तो उनके लिए उनने पियर्स वगैरह ऐसे इनने डिफरेंट डिफरेंट बना लिया। जैसे देखो जम्स वगैरह के लिए इनने लाइफबॉय बना लिया, स्किन्स के लिए इनने पियर्स बना लिया। सो वो सब है, ठीक है ना। अब अपना सिंक्रो मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, और अपने पास है आएगा अपना ये डी मार्केटिंग, ठीक है ना। इन दोनों में ध्यान रखना, ध्यान से सुनना थोड़ा। सिंक्रो मार्केटिंग क्या है, व्हेन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इररेगुलर, प्रोडक्ट की डिमांड इररेगुलर है कभी, मतलब कुछ अब कैसे, ड्यू टू सीजन्स, कुछ गर्मियों में चल रही, कुछ सर्दियों में चल रही, वो क्लोथ्स वगैरह ले सकते हो, सम पार्ट्स ऑफ द डे और आर्ली बेसिस। तुम पिक्चर देखने जाते हो, सुबह तुम्हारे को टिकट कम की मिलती है लेकिन शाम को ज्यादा की मिलती है। वो क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें पता है सुबह कोई पिक्चर देखने नहीं आता है, इसलिए वो लोग सुबह की टिकट कम कर देते हैं। सिंक्रो मार्केटिंग सिंपल सा है, द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्रमोशन, प्राइसिंग प्रमोशन और इंसेंटिव देके अपन डिमांड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इरेगुलर डिमांड है उसको अपन बांट सकते हैं बाकी में, ठीक है। सिंपल सा, मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दे दिया बहुत बड़ी सा। कंसंट्रेटेड मार्केट्स मतलब फोकस मार्केटिंग, ये अपना वही पहले ऊपर पढ़ रखा है, लार्ज शेयर ऑफ अ वन और फ्यू मार्केट, नीश मार्केटिंग याद रखना। कंसंट्रेटेड मतलब एक बड़े से मार्केट का छोटा सा सब पार्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज। डी मार्केटिंग, डी मार्केटिंग ध्यान से सुनना, इसमें क्या अपन रिड्यूस कर रहे डिमांड टेम्परेली, मतलब टेम्परेली या परमानेंटली अपन रिड्यूस कर रहे डिमांड। डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उधर क्या थी, इररेगुलर डिमांड थी, उधर कभी डिमांड थी कभी नहीं थी, इधर क्या डिमांड ही डिमांड है, लेकिन अपन इसे जस्ट शिफ्ट करेंगे इधर से उधर, नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड बट टू शिफ्ट डिमांड, ठीक है ना। उधर क्या था, इररेगुलर डिमांड थी, इधर क्या डिमांड तो खूब सारी है लेकिन अपन इसे बस शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, शिफ्ट 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 शिफ्ट, ठीक है, ओवरफुल डिमांड को, ठीक है ना। जैसे कि देखो अब तुम लोग अम्यूजमेंट पार्क वगैरह जाते हो, मतलब जाते होंगे, बताना चाहते हो तो, ठीक है ना। सैटरडे संडे उसको उस दर टिकट बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई उन्हें पता है डिमांड में बस बहुत सारी बार रखी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस डिमांड को थोड़ी मंडे ट्यूजडे को भी ले आऊँ, इसलिए वो लोग क्या करते हैं उधर प्राइस बढ़ा देते ताकि वो इधर आ जाए, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। उसके बाद अपने चैनल्स, ठीक है ना, चैनल्स में अपना सिंपल सा गिर गया। चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन, भाई क्या बात है, चैनल्स मतलब अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल सा। यहाँ पे मेन थ्री चैनल्स है अपने पास, सेल्स चैनल, सेल्स क्या है अल्टीमेट, ये वो इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि डायरेक्टली जो भी उनके पास सेलिंग के चैनल है उनसे वो लोग सेल कर रहे हैं थ्रू अल्टीमेट इंटरमीडिएटरी, ठीक है ना। इसको तुम पढ़ सकते हो, जो मैंने नीचे बना रखा है तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट चैनल क्या होता है, प्रोडक्ट देखो जो मैंने मार्क रखा है इसमें वो याद करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चैनल में वो जने आते हैं जो कि सीरीज ऑफ इंटरमीडिएटरी होते हैं जो कि हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम द पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर, सिंपल सी चीज है, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस चैनल कौन से, सर्विस चैनल जो नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए, ठीक है ना। जैसे तुम AC वगैरह लाते हो, अब उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करानी पड़ती है, या फिर ये डिशवाशर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। फिर है रोल ऑफ रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज एंड बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। देखो कैपेबिलिटीज अपन ने ऊपर पढ़ाई, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी कोर मतलब होता है मेन पार्ट जो होता है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन पार्ट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो रही है, सबसे मेजर अपने प्रॉफिट का है वहां से ही होता है कोर। और कॉम्पिटेंसी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड मतलब ये सब चीजें, कैपेबिलिटीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है ना। देखो इधर लिख रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रेदर देन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके कॉम्पोनेंट देखो, अब इसके अंदर अपने पास कंडीशंस, कंपोनेंट्स या फिर थ्री एरियाज है अपने पास कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर, ठीक है ना। तीनों है, कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट, DAV नाम से तुम इसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसमें, कोर कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन के अंदर तीन पॉइंट और है। देखो तीन पॉइंट क्या, कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटर डिफरेंशिएशन है ना, उसके अंदर अपने पास तीन पॉइंट है, यूनिक एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटेटर टू इमिटेट, इमिटेट मतलब कॉपी, मतलब अपन को कोर कॉम्पिटेंसी बेसिकली क्या होता है, अपन को ऐसा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बनाना है जैसे अपना प्राइस वगैरह रहती झंझनी और मस्त चले और कस्टमर्स ऐसे पागलों की तरह उसे खरीदे, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूनिक होगा अपन उतनी ज्यादा मस्त अपनी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये अपनी कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, यूनिक होना चाहिए और डिफिकल्टी मेंटेन होना चाहिए। पता चला तुमने यूनिक प्रोडक्ट बना लिया, कॉम्पिटेटर भाई मैंने भी तेरी तरह सेम प्रोडक्ट बना लिया, वाह भाई वाह, सो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर द कंपनी हैज टू कीप ऑन इम्प्रूविंग दी स्किल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन, कंपनीज इसके अंदर और चीजें इन्वॉल्व करते रहो और नई नई स्किल्स डेवलप करके और स्किल्स उसी प्रोडक्ट के अंदर मतलब लगाते रहो, ताकि अपन जो कॉम्पिटेटिव पोजिशन अपन ने मेंटेन करी है ना वो सस्टेन रहे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। फिर अपनी कस्टमर वैल्यू, दूसरा पॉइंट अपना, इट हैज टू डिलीवर फंडामेंटल बेनिफिट टू फॉर द एंड यूजर, फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए कस्टमर को, रियल इंपैक्ट होना चाहिए कस्टमर को, कस्टमर चूज करना चाहिए कंपनी को, देन कॉम्पिटेंसी इज नॉट अ, अगर मान लो कम, देखो ये पॉइंट मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर मान लो
मतलब कस्टमर है तुम्हारे को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो भाई वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है, मान लो अब मैगी की कोर कॉम्पिटेंसी है उसके मसाला में, अब अपन क्या है यप्पी खरीद रहे क्योंकि मैगी थी नहीं उस दुकान पे, तो इसका मतलब यप्पी के पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। सिंपल सा ये लिख रहा है इस लाइन का मतलब, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई, कोर कॉम्पिटेंसी होल ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होनी चाहिए, ना कि कोई सिंगल पर्टिकुलर स्किल वगैरह को या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उस पर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको यूनिकनेस मेंटेन रखनी है। इट विल नॉट कंसिडर कोर इफ नॉट फंडामेंटल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन को फंडामेंटल होनी चाहिए वरना उसको कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब थ्री मेंशन आर मेड दैट द कंपनी कैन बी, तीनों अगर फुलफिल हो रही है तो कंपनी है कोर कॉम्पिटेंसी, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, देखो हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, बिल्ड कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले है अपना पॉइंट वैल्यूएबल, वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि अपन एक्सप्लॉइट कर सके अपॉर्चुनिटीज को। अ फर्म क्रिएटेड वैल्यू फॉर कस्टमर बाय, देखो तुम्हारे पास जो वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज है ना उससे तुम्हारे को कस्टमर को है ना वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ये लिख रहा है इसके अंदर। तुम यहाँ तक इसको याद कर लेना, कौन से पॉइंट तक, अपॉर्चुनिटीज तक, ठीक है ना। मैं इसमें लिखूंगा तो ये मेरी फोटो मेरे को हटा देगा इसलिए, ठीक है ना। रेयर अपने पास जो कोर कॉम्पिटेंस, जो अपनी स्किल्स, जो अपनी कैपेबिलिटीज है वो रेयर होनी चाहिए, ये नहीं कॉम्पिटिटर के पास है। और कॉम्पिटिटर पोजेस माई अनलाइकली टू बी रिसोर्सेज एडवांटेज, कॉम्पिटिटर एडवांटेज ओनली डेवलप एंड एक्सप्लॉइट। कॉम्पिटिटर जो है ना उसके पास अपनी एडवांटेज मतलब अपनी जो कैपेबिलिटीज है वो इजीली ना एक्वायर कर पाए, अपने पास थोड़ी रेयर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे ही अपनी सस्टेन होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। कॉस्टली टू इमिटेट, भाई सामने वाला जो है ना, सामने वाला कॉम्पिटिटर वो अगर अपनी स्ट्रेटेजी अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी वो चुरा रहा है तो उसको वो बहुत ज्यादा महंगी पड़नी चाहिए, इसलिए वो ना चुराए इससे, ठीक है ना। मीन सच कैपेबिलिटी डेट कॉम अनेबल टू डेवलप इजिली, इजिली वो डेवलप नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज है। नॉन सब्सटीट्यूटेबल, भाई सिंपल सा है, कैपेबिलिटीज डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स आर कॉल्ड, मतलब ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी वही अपने पास बंदा रहे जिसके पास कोर कॉम्पिटेंसी है, दूसरा सामने वाले के पास भी वैसा ही कोर कॉम्पिटेंसी वाला बंदा है। नॉन सब्सटीट्यूटेबल होना चाहिए वरना अपन मेंटेन बिल्ड नहीं कर पाएंगे कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस तो हमें पता ही है बहुत यार, इसके अंदर क्या ही है। स्ट्रेंथ अपनी देखो, इसके अंदर मैं तुम्हारे को स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज रहती है, तुम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हो। स्ट्रेंथ वही अपने पास इनहेरेंट अपने पास कैपेबिलिटीज क्या है जिससे अपन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले। वीकनेस मतलब इनहेरेंट अपने पास लिमिटेशन क्या है जिससे अपन को डिसएडवांटेज मिले। अपॉर्चुनिटीज फेवरेबल मार्केट कंडीशन इन द बिजनेस एनवायरमेंट विच, मतलब अपॉर्चुनिटीज का तुम्हें भाई मतलब तो पता ही है ना कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन क्या है जिससे अपन को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अपने पास फाइनेंशियल पोजीशन अपन बूस्ट कर सकते हैं, मार्केट शेयर ले सकते हैं, सिंपल सी चीज। और थ्रेट्स क्या है, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन विच कॉज डैमेज और कॉज डैमेज मतलब टू द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सी चीज है यार, इसके अंदर क्या ही बताना। फिर अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देखो सिंपल से अपने पास स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ थ्रेट्स, वीकनेस अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज है तो अपॉर्चुनिटीज का फायदा लो यूजिंग स्ट्रेंथ, अब अपने पास थ्रेट्स है तो थ्रेट्स को मिनिमाइज करो यूजिंग स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटी अब अपने पास वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस और थ्रेट्स, वीकनेस है अब अपन को अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेते हुए वीकनेस को कम करना है, एंड वीकनेस और थ्रेट्स है तो भाई थ्रेट्स को इग्नोर कर दो और वीकनेसेस को मिनिमाइज करो, सिंपल सी चीज है, यही है पूरा इसके अंदर, ठीक है। तुम पढ़ोगे पूरा यही है जो मैंने बोला, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है, भाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है ना ज्यादा है इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से, ये होता है अपना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एक एमसीक्यू याद रखना, वैसे तो अब तो केस स्टडी है लेकिन फिर भी कॉम्पिटेटिव एनालिसिस में फाइव फोर्सेस मॉडल जो अपन ने पहले पढ़ा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब जेनरिक स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो मैंने तुम्हें बताई दिया। सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे मेंटेन करो, भाई मेरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मस्त लंबा चलना चाहिए, सारा प्रॉफिट मैं ही कमाऊँ इंडस्ट्री से एवरेज से ज्यादा। क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, अपने पास क्या इसके अंदर स्किल्स वगैरह, ठीक है ना। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले अपना ड्यूरेबल होना चाहिए, जो अपने के फर्म रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है ना वो अपने पास डिट्रॉयड नहीं होने चाहिए जल्दी से। और जहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, भाई सिंपल सी बात है, अपने पास जो कैपेबिलिटीज वगैरह है रिसोर्सेज वगैरह वो जल्दी डिट्रॉयड मतलब खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब, ठीक है ना। सो अपनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। और जहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे जो अपन पेटेंट्स वगैरह कराते हैं वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है, सिंपल सी चीज है भाई। इनोवेशन ज्यादा है तो अपन इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी कैसे मेंटेन करेगी उधर थोड़ी दिक्कत आएगी। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, इवन इफ द रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैविंग आर ड्यूरेबल बट इट इज इरोडेड बाय कॉम्पिटिटर, सिंपल सी चीज है। तुम्हारे रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज माना कि तुम्हारे ड्यूरेबल है, अच्छे बहुत लंबे तक समय तक चल रहे हैं, लेकिन क्या मतलब जो कॉम्पिटिटर ही उसे अपने साथ चुरा के ले जाए, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो सिंपल सा यही लैंग्वेज लिख रखी है, लैंग्वेज तो तुम सिंपल से पढ़ सकते हो, मैंने बताई दिया। इज ए ट्रांसफर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज लेस सस्टेनेबिलिटी, जितना इजीली तुम ट्रांसफर कर सकते हैं कॉम्पिटिटर उतना ज्यादा तुम्हारी लेस सस्टेनेबिलिटी होगी। इमिटेबिलिटी क्या होती है, इफ रिसोर्स एंड कैन नॉट बी परचेज, देखो
इमिटेबिलिटी क्या होती है कि जब अब देखो कॉम्पिटिटर या तो अपने से खरीद ले जो भी अपने पास कैपेबिलिटी सोर्सेज है अवेलेबिलिटी है, या फिर देखो सुनो, या तो अपने पास कॉम्पिटिटर है ना खरीद ले जो भी अपने पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है, या फिर उसको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को। अब वो कितनी इजीली एंड क्विकली, देखो ये पढ़ लो, कितनी इजीली एंड क्विकली कॉम्पिटिटर बिल्ड कर लेता है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज उसके बेसिस पर, मतलब जिससे अपनी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है उस पर डिपेंड करेगा ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी। मतलब जितनी जल्दी कॉम्पिटिटर बना लेता है अपनी रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी स्क्रैच से, अपन के पास जो है कॉम्पिटेटर उतनी खड़ी कर लेता है जितनी क्विकली इजीली उतनी अपनी बेकार रहेगी इमिटेबिलिटी। ठीक है, अप्रोप्रिएबिलिटी क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना जो तुमने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, अबिलिटी ऑफ द फर्म, मतलब जो भी रिटर्न्स वगैरह कमा रहे हैं ना, अब जिनने इन्वेस्ट करा है असली में उनको ही तो पैसे दोगे ना, अपन खुद थोड़ी रखेंगे। सो सबसे मेन चीज यही है, सबसे मेन सस्टेनेबल एडवांटेज यही है कि अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टेड टू वेयर द फंड्स आर इन्वेस्टेड, जिन लोगों ने पैसा दिया उनको अपन रिवॉर्ड देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी अपने पास अब कमाई हुई। ठीक है ना, फिर अपने पास माइकल पोर्टर थ्योरी, भाई ये बहुत ईजी है। कॉस्ट लीडरशिप, सबसे कम कॉस्ट पे भेजो इंडस्ट्री में। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपना बहुत ज्यादा यूनिक है। फोकस मार्केटिंग, मतलब एक बड़े सब मार्केट, एक सब मार्केट का या फिर एक मार्केट का एक स्मॉल पार्ट। ठीक है, चार होती है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, कॉस्ट लीडरशिप क्या है, देखो अपन को क्या कॉस्ट रिडक्शन करना है इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अपन को क्या है सबसे कम कॉस्ट पे अपन को इस बार माल बेचना है इंडस्ट्री के अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह जहाँ से पैसा कम हो सकता है वहां से कम कर सकते हैं। अब कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। देखो अब एक जना है जो कॉस्ट लीडर है, कॉस्ट लीडर है कैसे होगा वो, भाई उसकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, शानदार सेलिंग कर रहा होगा वो, तो क्या है अपन ने पढ़ा था ना एक्सपीरियंस कर्व कि आप सेल कर रहे होंगे, या फिर तुमने पढ़ा हो स्केल ऑफ ऑपरेशंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो जितना ज्यादा सेल करोगे उतनी ज्यादा यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, सो उतना ही अपन प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं और कॉस्ट लीडर बन जाएंगे। ठीक है, फिर अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है सिंपल सा। अब देखो इसके अंदर क्या लिख रहा है, कैन बी इफेक्टिव प्राइस सेंसिटिव, देखो ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इंडस्ट्री ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। प्राइस सेंसिटिव बायर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बायर डू नॉट केयर अबाउट डिफरेंसेस, ब्रांड टू ब्रांड सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, सम रिस्क क्या है, कॉम्पिटिटर, देखो रिस्क इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है ना, सबसे पहले सम रिस्क ऑफ परसुइंग कॉस्ट लीडरशिप, सबसे पहले क्या है, द कॉम्पिटिटर्स मे इमिटेट द स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, कॉस्ट लीडरशिप अपन ने मान लो सबसे कम कॉस्ट रख ली, अब कैसे रखी होगी, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी कॉम्पिटिटर ने इमिटेट कर ली। अबे यार टेक्नोलॉजी ब्रेक थॉट्स, मतलब अपने पास जो टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे थे वो सामने वाले को पता चल गई, ये सब वगैरह। ठीक है ना, अब है अपने पास सबसे मेन अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, अपन अचीव कैसे करेंगे कॉस्ट लीडरशिप, सबसे कम कॉस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले डिमांड आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो मैंने तुम्हें बताया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट बेचेंगे, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज, सच बताऊं याद करना पड़ेगा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, और कुछ नहीं है। एडवांटेजेस क्या है, अब अपन ने पढ़ा था ना बीआरटी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी और थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स थ्रू न्यू थ्रेट्स, थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, ये पांचों का इसमें लिख रखा है। अब देखो राइवलरी से क्या है, राइवलरी में क्या है, अपन तो कॉस्ट लीडर है, प्राइस वॉर कर रहे हैं, आ जा कर ले प्राइस वॉर, अपन तो जीते हुए। ठीक है, बायर्स में क्या है, नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडरशिप, फर्म एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, बायर कहीं बार्गेनिंग पावर लगा रहा है, भाई भाई बार्गेनिंग पावर मत लगा, सबसे कम में हम ही दे रहे हैं। ठीक है ना, सप्लायर में क्या है, सप्लायर ने भाई थोड़ी रेट बढ़ा दी, अबे यार कोई नहीं चल, वैसे भी मैं तो कॉस्ट लीडर हूँ, एब्जॉर्ब कर लूंगा तेरी ग्रेटर प्राइसेस। ठीक है ना, न्यू एंट्रेंस क्या है, भाई ये यार ये तो पहले ही अपन को लो में बेच रहा है, अपन कहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं कूदा है, मार्केट में रहने दो, बैरियर्स ऑफ एंट्री हार्ड है इसमें। ठीक है ना, फिर अपना सब्सटीट्यूट, अब सब्सटीट्यूट है मार्केटिंग के अंदर, लेकिन अपना क्या है, अपना तो लो कॉस्ट में चल रहा है तो अपन को क्या दिक्कत। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटर इमिटेट कर लेगा स्ट्रेटेजी, इसके अंदर क्या है, सेल्स वॉल्यूम अपन को बहुत ज्यादा चाहिए, तभी तो अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना, कॉस्ट लीडर टेंस टू कीप देयर कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मार्केट, बट दिस अप्रोच कैन प्रूव टू बी इन एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। भाई जरूरी नहीं है, तुम लोग अब तुम लोग कॉस्ट लीडरशिप कम कॉस्ट कर रहे हो तो तुम एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब में तुम पैसा बचा रहे हो, लेकिन हो सकता है लॉन्ग रन में दिक्कत हो जाए। ठीक है ना, फिर अपना फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तभी अपनी कॉस्ट लीडरशिप, अपन नई नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे जैसे अपनी और कॉस्ट कम लगे वो सब वगैरह। ठीक है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस इंसेंसिटिव ये वो लोगों पे, अब देखो कॉस्ट लीडरशिप क्या है, जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है ना उन पे काम करेगी, और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी प्राइस इंसेंसिटिव पे यूनिक होना चाहिए, ब्रांड सेंसिटिव होना चाहिए, फोकस ऑन फीचर्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चार्ज प्रीमियम प्राइसेस, ये सब इसके बेसिकली है। अरे डिफरेंशिएशन मतलब अपन बहुत यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं और कस्टमर उसको प्रीमियम प्राइस चार्ज करके खरीद रहे हैं। ठीक है ना,
अब देखो इसके अंदर तुम बाकी ये रीड कर सकते हो, इसके अंदर यूनिक हो सकता है अपना प्रोडक्ट डिजाइन में, ब्रांड इमेजेस में, फीचर्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क और कस्टमर्स, बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, स्पेशली इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सफिशिएंटली मीट कस्टमर नीड्स और इफ रैपिड इमिटेशन बाय कस्टमर इज पॉसिबल, ठीक है ना। देखो ये स्टैंडर्डाइज जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना इनमें काम नहीं करेगा। अब मान लो अपने पास ब्लिंकिट वगैरह है, उसके अंदर अपन क्या है, अपन पिज्जा मंगा रहे हैं। देखो पिज्जा तो करता है ना, डोमिनोज पिज्जा जो एग्जांपल लिख रहा है वो समझा रहा हूँ तुम्हें। डोमिनोज पिज्जा जो था ना वो क्या 30 मिनट में आता था तो फ्री था पहले, पहले था पहले, अब नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन अभी वही मान लो अब उसकी कीमत थी, अब अपन यार 30 मिनट में आएगा खरीदो खरीदो, अब वही तुम मंगा रहे हो ब्लिंकिट से, भाई बेकार जी ला दे 10 रुपए की, अब तुम्हें वो 2 घंटे में दे, अरे यार 2 घंटे में दे दे कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारे पास तो आनी चाहिए। सो इसमें कोई तुम्हारे मतलब अब वो ब्लिंकिट वाली ये नहीं यार 2 घंटे में हमने बीकाजी, या फिर आधे घंटे में बीकाजी करो भाई, आधे घंटे में बीकाजी करो। सो भाई इससे उनकी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी उस, क्योंकि वो बीकाजी के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है इसलिए, ठीक है ना। फिर है केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेन तो इसके आते हैं ये बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन, किस बेसिस पर डिफरेंशिएशन करोगे मैं तो, या तो प्रोडक्ट में या प्राइसिंग में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोडक्ट में कैसे होगा, मैं न्यू प्रोडक्ट ऑफर करूंगा जो कि जिसमें मैं कॉस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी एज वेल एज प्रोडक्शन, मतलब बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होगा जैसे कि एप्पल आईफोन वगैरह। प्राइसिंग में क्या है, मैं सप्लाई एंड डिमांड की देखो प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी जिस हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड के डायनेमिक्स काम करते हैं उस हिसाब से ही प्राइसिंग का काम होगा, तुम्हें पता ही है, बाकी तुम रीड करके तो समझ आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अब तुमने भी इसके अंदर खूब सारे देखेंगे जैसे रूफ टॉप कैफेज वगैरह होते हैं, उधर के अपन को ज्यादातर प्रीमियम प्राइस देनी पड़ती है क्योंकि उनकी लोकेशन एडवांटेज होती है, कुछ की नेम रिकॉग्निशन, कस्टमर रॉयल्टी, ये सब वगैरह से, ठीक है ना। इस बेसिस पर तुम प्रोडक्ट मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। अचीव कैसे करेंगे, ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन देंगे, इंप्रूव करने परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने, प्रोडक्ट इनोवेशन करना, एनहांस करना ब्रांड इमेज, फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स, ठीक है। ये सिंपल सा इसमें रटने का है, मैं क्या बताऊँ तुमको, देखो एडवांटेजेस सेम वही रहेगी बीआरटी। अब तुम इसको एक बार रीड मारो तुम्हें अपने आप पूरा समझ आ जाएगा। अज्यूम करो कि यार राइवलरी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट है, अब राइवलरी कहाँ भिड़ेंगे भाई, ऑब्वियस बात है। बायर्स बायर्स नेगोशिएट कैसे करेंगे प्राइस, भाई उनको स्पेशल फीचर्स मिल रहे हैं। सप्लायर्स में क्या है, प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं अपन, सप्लायर ने रेट बढ़ाई कोई नहीं, अपन एब्जॉर्ब कर जाएंगे। न्यू एंट्रेंस भाई देखो न्यू एंट्रेंस कैसे आएंगे, एक डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के लिए अपन को क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तब जाके अपन अच्छा सा एक डिफरेंशिएशन ला पाते हैं। अब नया एंट्रेंट आ रहा है उसके पास वैसे इतने पैसे नहीं होंगे, सो वो आरएनडी में पूरे पैसे लगाएगा तो फिर भाई वो आगे सेल्स वगैरह ऑपरेटिंग वगैरह कैसे करेगा, तुम खुद ही सोचो, इसलिए वो न्यू एंट्रेंस को दिक्कत होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, सोचो सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट कैन रिप्लेस्ड, भाई सब्सटीट्यूट कहाँ रिप्लेस करेंगे, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होंगे नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फिर डिसएडवांटेज क्या है, यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, ऑब्वियस सी बात है, तुमने यूनिकनेस ऐसे क्या रख रखी है जो सामने वाला कॉपी नहीं कर पा रहा वो चीज़। चार्जिंग टू हाई प्राइसेस फॉर डिफरेंशिएशन फीचर्स मे कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर अल्टरनेटिव, कभी कभी क्या होता है तुम अभी देख लो, अभी तुम्हारे हाथ में क्या है एंड्रॉइड ही है ना, आईफोन थोड़ी है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस जरूरी है हर बार काम करे इसलिए, ठीक है ना। फिर अपना डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ द बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यू बाय कस्टमर, अब तुमने क्या है जो तुम्हारा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का बेसिस है ना, जो अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारा बेसिस है ना, वो कस्टमर को मजा नहीं आया, कस्टमर को वैल्यू नहीं लगा, तब कहाँ होगा। सिंपल सी चीज बताऊँ, याद करना पड़ेगा यार ये। फोकस स्ट्रेटेजी क्या, मार्केट पेनिट्रेशन में मार्केट, ठीक है ठीक है ठीक है। फोकस स्ट्रेटेजी में कंसंट्रेट होना पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, मतलब इन पे अपन देखेंगे नैरो मार्केट बट मैटर देन, ठीक है ठीक है। फोकस डिफरेंशिएशन देखो, फोकस्ड में क्या अपन दोनों चीजें लगा सकते हैं, कॉस्ट लीडरशिप भी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, सबसे मेन चीज ये तीन ही आती है, अचीव कैसे करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखो अचीव कैसे करेंगे, फोकस स्ट्रेटेजी सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक नीश, नीश मतलब तुम एक पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है ना, विच आर नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर्स एंड डिफरेंशिएटर्स, जो दूसरे दूसरे कॉम्पिटेटर है वो कॉस्ट लीडर या फिर डिफरेंशिएटर कोई भी नहीं है, सो ऐसी अपन नीश देखेंगे स्पेसिफिक चूज करेंगे। फिर उसके अंदर अपन सुपीरियर स्किल्स कैटर करेंगे, मतलब लेंगे उसमें अपन हाई एफिशिएंसी जनरेट करेंगे और फिर इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करेंगे, ठीक है। ये सारे डटने के मैं क्या बताऊँ, एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। अब इसमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है जिसमें अपन प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं और राइवल्स और न्यू एंट्रेंस मेड फाइंग डिफिकल्ट टू कॉम्पिटेट, क्योंकि भाई अपन फोकस स्ट्रेटेजी। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम रोल्स रॉयस वगैरह ले सकते हो, उनने एक बड़ा मार्केट में एक छोटा सा मार्केट टारगेट करा है, मतलब जो अमीर लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है उसको टारगेट कर रहा है सिर्फ, और उसमें वो लोग फुल मार्केट शेयर के मूड में, ये होता है प्रोडक्ट मतलब फोकस स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है,
तो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस रहेगी, फ्रॉम लैकिंग इन डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसी मे नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटेजी। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एक डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग सी कॉम्पिटेंस नहीं उनमें, एक अलग सा कॉम्पिटेंस मतलब थोड़ा यूनिक कॉम्पिटेंस जो कॉम्पिटिटर्स में ना हो, अगर वैसा नहीं है तो फिर वो फोकस स्ट्रेटेजी नहीं लगा पाएगी उनको, डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है ना। ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉस्ट आर हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स। देखो अब ये वाले मार्केट्स में क्या है, डिमांड लिमिटेड है और प्रोडक्ट की प्राइस भी अपनी हाई है, सो इससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है समटाइम्स, ठीक है ना। फिर इन द लॉन्ग रन द नीश कुड डिसअपीयर टू बी और टू बी टेकन ओवर बाय लार्ज कॉम्पिटिटर बाय एक्वायरिंग सेम कॉम्पिटेंस डिस्टेंट कॉम्पिटेटिव। भाई देखो ये वाला है ना डिसएडवांटेज तो मेरे को हर में ही मिलेगा कि लॉन्ग रन के अंदर कॉम्पिटिटर अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो अपना नीश है, वो चुरा सकता है या फिर नीश अपना डिसअपीयर हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब देखो तुम्हारे पास सबसे पहला अज्यूम करना, तुम गए शॉप पे, दो शॉप है ए और बी, जहाँ पे प्राइस दोनों की सेम गुड खरीद रहे हैं अपन, बट अलग अलग शॉप है जहाँ पे ए और बी प्राइस है एक की 500 एक की 450, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है बी, है ना। दूसरी शॉप है, दूसरा केस है जहाँ पे अपन सेम प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, शॉप ए है शॉप बी है, प्राइस है दोनों की 500 लेकिन एक की क्वालिटी अच्छी है एक की क्वालिटी बेकार है, कौन सी खरीदोगे? जिसकी क्वालिटी अच्छी है एक ही, ठीक है ना। सिंपल से ये इसमें यही लिख रहा है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर्स द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप कॉस्ट एंड प्राइस लोअर देन द दोज ऑफ अदर सेलर्स ऑफ कंपेरेबल प्रोडक्ट्स। जहाँ पे प्रोडक्ट्स दो कंपेरेबल है तो बायर वहीं, अपन को क्या करना है, अपन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अपना प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कंपेरेबल है ना, तो प्राइस अपन को कम रखनी पड़ेंगी या फिर अपन को क्वालिटी उससे अच्छी रखनी पड़ेगी अगर अपन चाहते हैं अपना बिक जाए। बहुत ही सिंपल सा है ये, देखो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कस्टमर मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फेसिस ऑन लोअर कॉस्ट और बेटर क्वालिटी डिफरेंस। या तो कॉस्ट उसको लोअर दो या फिर बेटर क्वालिटी दो। देखो सिंपल सा है, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस डेट व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स। सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट केस है जिसमें अपन लोअर प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं फ्रॉम राइवल्स। सेकंड है चार्जिंग सिमिलर प्राइस एज बाय राइवल्स फॉर द क्वालिटी फॉर मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। मतलब इसके अंदर जो सेकंड केस, अपन क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं सेम प्राइस पे, ठीक है ना। सो अपना सिंपल सा यही था चैप्टर 3।